हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन से सफ़र किए होंगे। कई बार आप लोगों ने जनरल कोटा में टिकट बुक किए होंगे, तो कई बार आप लोगों ने तत्काल कोटा में टिकट बुक किए होंगे, कई बार आप लोगों ने तत्काल में टिकट बुक किए होंगे और ट्रेन में सफ़र नहीं किए होंगे और इसके बाद वो टिकट कैंसिल कर दिए होंगे, लेकिन आप लोगों को पैसे एक भी रुपये रिफंड नहीं मिला होगा। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊं, यदि आप लोग अब ट्रेन टिकट बुक करते हैं, जनरल टिकट हो या फिर तत्काल हो, यदि आप उसे कैंसिल करेंगे तो आप लोगों को एक भी रुपये नहीं कटेंगे। लेकिन कैसे? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सिंपल आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है कन्फर्म टिकेटी। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जब टिकट कैंसिल करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले टिकट बुक ना हो, बुक करने के लिए आपको IRCTC रेल करने का या फिर CTC के साइड टिकट करते हैं या फिर थर्ड पार्टी काफ़ी सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिससे आप रेलवे टिकट इजीली तरीके से बुक कर सकते हैं। जनरल टिकट या फिर तत्काल टिकट बुक करते हैं, उसे कैंसिल करने के बाद टोटल पैसे रिफंड चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को कन्फर्म टिकेटी एप्लीकेशन से ही ट्रेन टिकट बुक करना होगा। तो ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जिस डेट का टिकट बुक करना है वो आप लोगों को यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने ला है। इसके बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आप जिस ट्रेन में टिकट बुक करना है वो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आप लोग वेटिंग टिकट कैंसिल करते हैं, नॉर्मल हो, जनरल टिकट हो या फिर तत्काल टिकट हो, यदि कैंसिल करते हैं तो कुछ कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद आप लोगों को रिफंड मिल जाते हैं पैसे चार्ट बनने से पहले यदि कैंसिल करते हैं तो। लेकिन यदि कंफर्म टिकट है, तत्काल यदि टिकट कैंसिल करते हैं तो पहले आप लोगों को एक भी रुपये रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन अब ज़रूर मिलेंगे। तो देख सकते हैं, हम कैसे बता सकते हूँ आप लोगों को कैसे रिफंड मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक टिकट बुक करके समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ट्रेन है 12562 स्वतंत्रता सेनानी न्यू दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए, मैं एक टिकट बुक कर सकता हूं। देख सकते हैं तत्काल कोटा में 41 सीट अवेलेबल है, 1820 रुपये का टिकट है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें आप सबसे पहले मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा, फोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना है। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर OTP का वेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई कर चुका हूँ। इसके बाद हमें सिंपल बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बुक पे क्लिक केयर करेंगे तो हमारे सामने कुछ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फुल नेम यानी कि पैसेंजर का जो नाम है करना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एज सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर भी, इसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको एरिया पिन कोड सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पे नंबर चार्ज व्हेन कट इज कैंसिल्ड। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये टिकट हम बुक कर रहे हैं, इसका टिकट को बेसिक फेयर की बात किया जाए तो 1820 रुपये है, लेकिन हमें कल का डेट में टिकट बुक करना है। हम लोगों को लगता है कि हम कल टिकट जा पाएंगे ट्रेन से या फिर ट्रेन से सफ़र नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप लोग इसे टिकट कैंसिल करते हैं तो टिकट पैसे रिफंड आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज 492 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से पे करना होगा। और इसके बाद जब टिकट आप बुक करते हैं, इसके बाद इसे टिकट को कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल पूरे के पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे। 492 रुपये कट कर वापस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो था कि हम यदि तत्काल टिकट बुक करते थे तो कैंसिल करने के बाद हमें एक भी रुपया नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करेंगे तो आप लोगों को पैसे रिफंड मिल जाएंगे यदि आप लोगों ने कंफर्म TKT एप्लीकेशन से टिकट बुक करते हैं तो। ये थर्ड AC है इसलिए यहाँ पे आपको 492 रुपये पर पैसेंजर एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन स्लीपर का टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको चार्जेस कम होगा। इसके बाद 2S का टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर और भी चार्जेस कम होगा। इस तरह से यहाँ पर क्लास के हिसाब से पर पैसेंजर पैसे ज़्यादा ले रहा है, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है पहले से, क्योंकि पहले हम टिकट बुक करते थे तो हम लोगों को एक भी रुपये वापस नहीं आता था, लेकिन अब हम कंफर्म TKT एप्लीकेशन से तत्काल टिकट बुक करते हैं और इसे कैंसिल करते हैं तो हमें पैसे रिफंड मिल जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।